इलेक्शन के लिए बहन को लड़की बनाना, ये बहन के साथ ना इंसाफ, ना इंसाफ है। बहन तो हमेशा जब से पैदा होती है वो लड़की होती है और लड़की ही होना चाहिए। तो लेकिन आप वोटों की लालच में बहनों को लड़की बनाएंगे तो बहनें भी छोड़ती नहीं है। मैं ऐसी चुनावी जुमले या किसी को झूठ बोल के आश्वासन देकर झांसे में फंसा कर काम नहीं करता। मुझे पहले से सिखाया नहीं गया भेदभाव करना, तो मेरे अंदर वो है ही नहीं। तो उसी वजह से मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ और सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं। आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम, मुझे फ़ख्र है मेरे मुस्लिम होने पर, और हर किसी को अपने अपने धर्म पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन इन पॉलिटिक्स मैं मुस्लिम बनकर मेरे लोगों के सामने नहीं जा, मैं मेरे सोलापुर की जनता के सामने उनका दोस्त, उनका भाई, उनका बच्चा बनकर गया हूँ। MIM एक स्पेशल एक समुदाय के फेवर में ही बात करता है। मेरे हिसाब से समुदाय हम जिसकी बात करते हैं, मुस्लिम है, वो दलित है, वो पिछड़े है, वो आदिवासी है, वो कमज़ोर है, वो माइनॉरिटीज़ है, ये हमारा समुदाय है। कोई जात हमारा समुदाय नहीं है। असद साहब का स्पेशल ध्यान सोलापुर पर है। सोलापुर की खुशहाली के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस बार एक चेंज के लिए फारूक शाब्दी को मौका दीजिए। नमस्कार, आदाब। विधानसभा चुनाव का हम लोगों का सफर काफी दिनों से रवा दवा है, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि हम लोग लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कोई बड़ा चेहरा जो राजनीतिक मैदान में किसी भी तरह की हलचल या बदलाव पैदा कर सकता है उसके ख्यालात आपके सामने लेकर के आएं। ग्राउंड पे काफ़ी दिनों से हम लोग एक्टिव हैं, जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं, और साथ ही में वो बड़े नाम जो उनके जहन में छपे हुए हैं वो भी। इन्हीं के आधार पे जो हमें सवालात हमने अक्स किए हैं जनता से, बहुत ही खास में जनाब फारूक शाब्दी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। और इसी सवाल के साथ सर शुरू करूंगा कि इस बार क्या मुद्दे हैं सोलापुर में और क्या विजन है MIM का, क्या एजेंडा है जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है विधानसभा का? नहीं, मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं सोलापुर में जी। आप काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी, बिल्कुल, तो आपको खुद दिख चुका होगा कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। मेन मुद्दा है सोलापुर में पानी की बड़ी किल्लत है, पीने के पानी का प्रॉब्लम है। फिर नॉर्मली जो हर सोलापुर कोई एक्सेप्शन ही है, हिंदुस्तान के काफ़ी सारे शहरों में सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक अमेनिटीज़ जो मिसिंग है वो है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का जी। यहाँ बेरोज़गारी इतनी है यहाँ पर, एक ज़माने में जो सोलापुर यंत्रमार्ग के लिए और दूसरे कारखानों के लिए जाना जाता था, सोलापुर का टॉवेल चादर पूरे दुनिया में मशहूर थी, आज वो मरने की कगार पर आ गई है। सारी मिल्स बंद हो गई है, तो ये इसकी जो खस्ता हालत, हम लोग कोशिश करेंगे वापस से। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे सोलापुर में एम्प्लॉयमेंट आए, जिसकी वजह से आज जो सोलापुर का स्किल है जी, आज हमारे सोलापुर में बहुत अच्छे ज़हीन लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी और टैलेंट, जो भी सोलापुर का रिसोर्स है, वो दूसरी सिटीज़ में जाकर देना पड़ रहा है यहाँ काम की कमी की वजह से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सोलापुर का टैलेंट सोलापुर में ही रहे और यहाँ के लोगों को उसका यूज़ हो। तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है, उसके अलावा इसमें बतौर ख़ास शायद मैंने भी आपकी किसी स्पीच में सुना था कि आपने कोई इंडस्ट्री आपकी जो खुद की है वो इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, इंडस्ट्री इज़ ए बिग प्रोजेक्ट। तो मैं ऐसी चुनावी जुमले या किसी को झूठ बोल के आश्वासन देकर झांसे में फंसा कर काम नहीं करता। तो वो इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री नहीं होगी, इट विल बी असेंबलिंग यूनिट। अच्छा, वो एक असेंबलिंग यूनिट होगा। मेरी जो फैक्ट्री मुंबई में चलती है तो उसका एक यूनिट मैं यहाँ सोलापुर में लाकर सेटअप करूँगा। स्मॉल स्केल यू कैन नॉट से स्मॉल स्केल ऑल्सो, स्मॉल स्केल से थोड़ा ऊपर और बड़े से थोड़ा नीचे। हाँ, बड़े से थोड़ा नीचे। तो असेंबलिंग करेंगे वहाँ से रॉ मटेरियल आएगा यहाँ पर। यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ असेंबल होगा। अच्छा। तो वो असेंबल के थ्रू भी मेरा टारगेट है कि रोज 1000 महिलाओं को, मेरे मतदार संघ की 1000 महिलाओं को हम लोग रोजगार देंगे। तो ऐसा मेरा प्लान है। तो आपका प्राइमरी जो टारगेट रहेगा वो भी लड़की बहन ही रहेगी? नहीं, देखिए, इलेक्शन के लिए बहन को लड़की बनाना
ये बहन के साथ नाइंसाफी है। अच्छा, हाँ। बहन तो हमेशा जब से पैदा होती है वो लड़की ही होती है और लड़की ही होना चाहिए, तो लेकिन आप वोटों की लालच में बहनों को लड़की बनाएंगे तो बहनें भी छोड़ती नहीं है। जैसे रक्षाबंधन में बहन राखी बांधने के बाद उस जिद करके अपने भाई से गिफ्ट लेती है, तो अगर उसको चीट किया जाएगा तो बहन भी उसके झूठे भाई भैया जो है जो बहनों को लालच दे रहे तो उसकी सजा जरूर देगी। वो एक्चुअल में हम भी ग्राउंड पे घूम रहे हैं ना, तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन है एक अलग सा कि भाई लड़की बहन की तो चिंता है मगर लड़के भाई के पास से जो पैसे जा रहे हैं उसका क्या। तो कई मतलब कई राजनेताओं की ना प्रायोरिटी कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर वो फोकस्ड हो जाते हैं, तो उसमें आपकी भी क्या प्रायोरिटी होगी? जाहिर सी बात है, देखिए ये गलत बात नहीं है कि अगर महिलाओं को फोकस कर रहे, उनके एम्पावरमेंट की बात कर रहे, उनकी सेफ्टी की बात कर रहे, तो मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ महिलाओं को, मैं मर्दों से कम है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट ये उनका हक है मेरे हिसाब से। बीइंग अ वुमेन एक उनका एक अपर हैंड है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सहूलतें हो, जो भी फैसिलिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट हो या सोशल लेवल पे भी हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमारी महिलाओं को ही मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, हमने भी ग्राउंड पे ये देखा है, मतलब कई सारी महिलाएं यहाँ पर सोलापुर में तो खास तौर से वो बीड़ी कामगार हैं वो लोग, और उसमें बहुत ही कम पैसे उन लोगों को मिलते हैं, मेहनत इतनी ज़्यादा है उसमें, दिन भर के मेरे हिसाब से 100 या 150 रुपये के आसपास इतनी ज़्यादा मेहनत, तो जाहिर सी बात है आपका फोकस्ड होना भी चाहिए महिलाओं के प्रति। अभी तक सोलापुर में ये आपका दूसरा चुनाव है, तो पिछले चुनाव से ये वाला चुनाव कैसे आपको अलग लग रहा है? मायम इकलौती एक ऐसी पार्टी थी जिसने सोलापुर में अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, जबकि बाकी दूसरे पक्ष में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी नाइत्तेफाकियाँ हुई, तो आपको हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या फीडबैक मिला है जनता से अब तक? नहीं देखिए, जो पहला इलेक्शन मैंने लड़ा 2019 में सोलापुर से, वो एक कम्प्लीट अलग इलेक्शन था आज 2024 के इलेक्शन से। 2024 में कुछ मैं भी नया था, मेरी भी तैयारी इतनी नहीं थी, बट 2024 में मैं आज लोगों के बीच जा रहा हूँ। सिर्फ इलेक्शन है इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं 5 साल से मुसलसल लोगों के बीच में रहा हूँ, लेकिन जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है जी, तो लोगों के अंदर की ऊर्जा, उनका उत्साह देखकर एक मतलब वो लोग ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे थे ये दिन के लिए कि ये दिन जल्दी आए और मैं शायद उनका भाई, उनका बेटा, उनका दोस्त के नाते वो लोग मुझे इनाम देना चाह रहे हैं, वो ये दिन का इंतज़ार कर रहे थे। एंड नॉट ओनली मुस्लिम्स, सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, मुझे हर समाज की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और बस आप जब 23 तारीख होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों का आशीर्वाद हमें बैलेट बॉक्सेस में बंद मिलेंगे और तब आपको समझ में आ जाएगा। विपक्ष और साथ ही में MIM ने भी सोलापुर मध्य में ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा डिस्कशन चला है, बड़े मंच से कई सारे ऐलानात भी किए गए, मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर के कई सारे नारे दराज हुए हैं, और उसमें मजलिस ने सबसे पहले पहल की और आपका नाम ऐलान किया, जबकि दूसरी तरफ जब ग्राउंड पे हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि मुसलमानों में इत्तेहाद टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस से महाविकास अघाड़ी से भी 11 उम्मीदवार ऐसे थे जो टिकट की मांग कर रहे थे, तो आपकी बतौर ख़ास मुस्लिम समुदाय में कहीं पर ये मीटिंग हुई थी या बातचीत हुई थी कि नहीं हमको इत्तेहाद में रहना है या मुत्तहिद रहना है, इन चीज़ों को लेकर बात हुई है? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको जी कि मैंने कभी एज अ मुस्लिम एक मुसलमान बन के कभी टिकट नहीं मांगा, एक मुसलमान बन के कभी, आई एम प्राउड टू बी ए मुस्लिम, मुझे फ़ख्र है मेरे मुस्लिम होने पर, और हर किसी को अपने अपने धर्म पर फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन इन पॉलिटिक्स मैं मुस्लिम बनकर मेरे लोगों के सामने नहीं जा रहा हूँ। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर लोग को एक समान समझता हूँ, वो चाहे किसी भी जात का धर्म का हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और मेरे अंदर यही है, मेरे सिस्टम में फीड ही किया हुआ है कि काम करना है तो वो सबका होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैंने एज अ मुस्लिम टिकट नहीं मांगा, मैंने एज अ मुस्लिम लोगों के सामने नहीं किया, मैं मेरे सोलापुर की जनता के सामने उनका दोस्त, उनका भाई, उनका बच्चा बनकर गया हूँ, और इसी वजह से मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी कम्युनिटी, हर लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे ज़रूर और ज़रूर आशीर्वाद देंगे।
जो नेता हैं, विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े मंच से ये बोलती हुई सुनाई देती हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM वो किसी एक समुदाय की तरफ ज़्यादा बयाज्ड है, एक थिन लाइन है जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बांटती हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। तो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब कोई आमदार बनता है, MLA बनता है, तो वो सारी कम्युनिटीज़ का होता है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता। तो आप उनको क्या जवाब देंगे जो विपक्ष के नेता? बिल्कुल 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 आप सही बोल रहे हैं कि MIM एक स्पेशल एक समुदाय के फेवर में ही बात करता है जी। मेरे हिसाब से समुदाय हम जिसकी बात करते हैं मुस्लिम है, वो दलित है, वो पिछड़े है, वो आदिवासी है, वो कमज़ोर है, वो माइनॉरिटीज है, ये हमारा समुदाय है। कोई जात हमारा समुदाय नहीं है। और अगर किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है जी। और वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में आप अगर उसको कम्युनल उसका रंग देंगे तो ये आपकी सोच है। लेकिन MIM ने हमेशा से, आज आप बताइए धनगर आरक्षण के लिए आवाज़ किसने उठाया जी। मराठा आरक्षण के फेवर में हम लोग है या नहीं है जी। में हम लोग है या नहीं है जी। दलितों पे जब भी अत्याचार होते हम लोग बात करते हैं कि नहीं? हम लोग इन द सेंस पार्लियामेंट में बात करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है जी। आज संविधान के सबसे बड़े रक्षक आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज पार्लियामेंट में धनगर समाज को रिजर्वेशन की बात थी, तब इम्तियाज अली साहब ने बोलने का मतलब ही ये लोगों को सिर्फ हम लोगों का वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं इन द सोसाइटी उनका वोट चाहिए, लेकिन हम लोगों की बात और जो इनकी बात करेगा उनको ऐसा झूठा परसेप्शन बना करते हैं। तो अगर इन सारे लोगों की आवाज़ उठाना अगर इनको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये गलत समझते रहे, लेकिन हम लोग हमारी राजनीति लोगों की भलाई के लिए करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए करते हैं। इनकी आवाज़ बनकर हम पार्लियामेंट या असेंबली में जाते हैं और जाना चाहते हैं तो हम लोग वो काम हमेशा करते रहे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जब इतनी सारी सीटों पर MIM चुनाव लड़ रही है तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में लगभग कितनी सीटों पर MIM की जीत दर्ज होगी? देखिए एज फार एज आई नो कि पहले तो आप बोले कि इतनी सारी सीटों पर नहीं, कम ही तो हाँ कम ही सीटें हैं, तो आउट ऑफ 288 मेरे ख्याल से वी आर कंटेस्टिंग ऑन 14 सीट्स शायद। तो बीइंग MIM का मेंबर मैं तो चाहूँगा कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% हो, पूरी 14 सीटें जीत जाए। बहरहाल ठीक है, कोशिश पूरी करेंगे हम लोग एंड वील ट्राई टू विन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। कोई हारने के लिए इलेक्शन तो लड़ता नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरी सीट जीते और हमारे दरवाजे पे खड़े रहेंगे। इन द सेंस देखिए कुछ भी पॉसिबल है। आज आप महाराष्ट्र का एक एग्जांपल ले लें, 7 MPs यहाँ से जीते एकनाथ शिंदे के एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। को बिहार में भी कुछ हो गया है, तो ये पॉलिटिक्स इज वेरी अनप्रेडिक्टेड गेम, तो इसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप 2 सीट 5 सीट 10 सीट लाकर भी, जैसे कर्नाटक में हुआ था JDS के साथ, वो कम सीट लाकर वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो कुछ भी हो सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छे आए और हमारे फेवर में। सोलापुर से हैदराबाद की सड़क कितनी बिजी रहने वाली है अभी इलेक्शन के दौरान? कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आपकी कैंपेनिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं अभी? सोलापुर हैदराबाद की टॉप लिस्ट में है एंड आई एम वेरी लक्की कि असद साहब का स्पेशल ध्यान सोलापुर पर है जी। तो बिजी तो बहुत रहने वाली है। जो भी हमारे जितने भी आमदार हैं, हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, वो लोग की खुद इच्छा है कि हम लोग सोलापुर आए प्रचार करने के लिए, बट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे उम्मीदवार हैं तो सब डिवाइड किया गया है। इम्तियाज जलील साहब भी आएंगे तो हैदराबाद के साथ औरंगाबाद की भी रूट बिजी रहेंगी टूवर्ड्स सोलापुर आने वाली, तो देखते हैं कौन कौन आता है। अच्छा जब डिस्कशन होता है ऐसे सब राजनेता बैठे हुए होते हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होता होगा, आप मीडिया में तो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट नेचुरल इंसान है और दोस्त है और कलीग्स हैं, हमारे बॉसेस हैं समझिए, तो जैसे एक ऑफिस एटमोसफियर होता है जी। अब ऑफिस में भी सिर्फ काम काम तो नहीं होता होगा, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं आपकी भी ऑफिस पर जी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफिस ओनली, तो इसमें काम से जब थक जाते हैं तो ब्रेक होता है या कोई मीटिंग्स होती है उसमें ब्रेक होता है, तो दूसरी बातें निकलती है
तो नॉर्मली ये तो एक इंसानी फितरत है, हर 2400 घंटे पॉलिटिक्स वोट काम की बात नहीं कर सकते, तो यहाँ की भी बातें होती है। फारूक शाब्दी साहब का सीधा मुकाबला किससे रहेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए मेरा मुकाबला तो जो मेरे सामने लड़ रहे हैं सारे ही लोग उनसे है, बट टॉप मेरा जो मुकाबला है मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी से रहे, तो उनकी जो पार्टी के उम्मीदवार है तो मेरा मुकाबला मैं समझता हूँ कांग्रेस से ही होने वाला है, तो हमारे टारगेट में फर्स्ट कांग्रेस ही है। अच्छा, ये अभी पिछले लोकसभा चुनाव में अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है उसमें जो एंटी बीजेपी की हवा चली थी उसमें आपने भी शायद कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी प्रणीति शिंदे उनका सपोर्ट किया था, अब उसके बाद फिर मुझे नहीं पता अभी बाज़ार में ये बात बहुत ज़्यादा चर्चे में है कि लोकसभा चुनाव में आपने उन्हें सपोर्ट किया, फिर मध्य से आपने उनसे ये अपेक्षा रखी थी कि वो सपोर्ट करेंगी, मगर यहाँ पर पूरा का पूरा राजनीतिक मैदान कांग्रेस ने उल्टा दिया जब उन्होंने बाबा मिस्त्री जो दक्षिण से चुनाव लड़ने वाले थे उनको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये बात जानते हुए कि यहाँ पर पहले से एक उम्मीदवार हैं और 11 उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के टिकट मांग रहे हैं, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें, तो आपको लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी साजिश का प्लान कर रही है? उनकी पार्टी है, उनका फैसला और उनकी रणनीति है जिसमें मैं इंटरफियर नहीं कर सकता, तो ये उनका कॉल है, तो वो जो फैसला लेना चाह रहे थे या अभी भी जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और वो उनको जो ठीक लगे वो करे, मैं इस पे कुछ बोलूं। तो वो लोकसभा चुनाव में वो बात हुई थी आमदार के चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं, तो देख लीजिए आप लोग कि ये क्लेरिफिकेशन हम लोग ले रहे हैं जनता के ही मुंह से, हम लोगों ने सुना था फील्ड पर, आप ही के सवाल लेकर के पहुंचे हैं, आप ही के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अभी जो पिछला हमारा डिस्कशन हुआ इतनी सारी चीज़ों को लेकर, उसमें एक बहुत ही अहम नुक्ता जो आपने बयान किया था कि जब आप आमदार बनेंगे तो वो सारी कम्युनिटीज़ के होते हैं, क्योंकि आपका एक वीडियो मंजर आम पर आया था, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा भी, जहाँ पर आप ये बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि मैं सारी कम्युनिटीज़ का हूँ, या फिर एक स्लोगन भी काफ़ी तेज़ी से आपके हैंडल से या फिर आपके जितने चाहने वाले हैं उन्होंने भी वायरल किया था, सबका शाब्दी करिए, तो ये वाला जो एक पर्टिकुलर ये जुमला दिखाई दिया है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो लफ्ज़ है सबका शाब्दी जो नारा दिया है आपने? देखिए मैं बोलने को तो कुछ भी बोल दूंगा जी, सबका शाब्दी बोलूँगा और सब मेरे हैं कुछ भी, बट उसके एक्शन स्पीक करते हैं और वो एक्शन सच्चाई बताते हैं जी। मैं पिछले 5 साल से यहाँ हूँ, मेरा एक भी ऐसा काम, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य, ऐसी हरकत, आप घूम रहे हैं ना फील्ड पर, बिल्कुल ढूंढ के निकालिए जिसकी वजह से मैंने लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम किया रहूँ या किसी अदर कम्युनिटी को हर्ट करने का काम किया हो, या मेरी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, मैंने किसी को फंसाया रहा हूँ, तो मुझे बोल के प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है और मैं घूमता हूँ, और मुझे जो ट्रेनिंग मतलब मेरी जो परवरिश हुई है उस पर मुझे पूरा यकीन है और उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे पहले से सिखाया ही नहीं गया है भेदभाव करना, तो मेरे अंदर वो है ही नहीं, तो उसी वजह से मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ और सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं। आप जब जाओगे तो ये सवाल लोगों से पूछना वेदर दे एक्सेप्ट मी और नॉट, तो आपको मेरे आपके इस सवाल का जवाब लोगों से ही मिल जाएगा, तो मैं वैसा ही हूँ और मैं मरते दम तक मैं कभी भेदभाव नहीं करूँगा, मैं धर्म के आधार पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा कभी जी। चलिए सर, अभी आखिर में जितने भी दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, कैमरा आपके हवाले, कोई आखिरी पैगाम आप उन्हें देना चाहें? बस मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा मेरे सोलापुर की जनता से, आवाम से, कि प्लीज़ 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 आने वाली 20 नवंबर को जो वोटिंग का दिन है, आप लोग अपने घरों से निकलिए और बड़ी तादाद में निकल कर ये जो इलेक्शन डे है इसको एक त्यौहार की तरह मनाइए और अपना हक जो है वोट करने का उसका इस्तेमाल कीजिए, सोलापुर में बदल करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए
बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने के लिए, हमारी माँ बहनों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए, सोलापुर की खुशहाली के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस बार एक चेंज के लिए फारूक शाब्दी को मौका दीजिए और 20 तारीख को इलेक्शन के दिन आप लोग घरों से निकलकर मेरा चुनाव चिन्ह पतंग है उसके ऊपर वोट दीजिए और आपके भाई आपके बेटे को जिता के लाइए, ताकि मैं आने वाले 5 साल नहीं पूरी ज़िंदगी आप लोग का सेवक बनकर आपका एहसान चुका सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लालची हूँ मैं, जितने भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, वैसे किसी बड़ी शख्सियत का हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि आपके जो फॉलोवर्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब अगर वो कर दें हमारे चैनल को। मैं तमाम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से अपील करूँगा कि हमारे भाई जिनके चैनल का नाम है डेक्कन डाइजेस्ट, ये डेक्कन डाइजेस्ट इनका जो चैनल है यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक वेर एवर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दीजिए और हमारे भाई की व्यूअरशिप बहुत बढ़ाइए, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, ताकि अगली बार जब आप इंटरव्यू करना हो तो मुझे भी इनका अपॉइंटमेंट लेकर इनसे टाइम लेना पड़े, ये इतने बिजी हो जाए। मेरी इनके साथ बहुत दुआ है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बहुत कामयाब पत्रकार हो और इनका चैनल भी बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भाई ने बोला करने का तो करने का। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, अगले एपिसोड में फिर किसी नए चेहरे से मुलाकात होगी, नए विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए अलग अलग इलाकों में महाराष्ट्र के जहाँ पर भी हम लोग गए हैं। एक और आखिरी बार बहुत बहुत शुक्रिया फारूक शाब्दी साहब, चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।